आपका हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन एजी क्लासेस बाय एसके तिवारी पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए कृषि विज्ञान प्रश्न पत्र 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो ICAR जेट VHU में आते हैं, तो वह इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है? नंबर 1 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, 3 पोटेशियम, 4 कैल्शियम। तो पहला सही है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 2, जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है? नंबर 1 अमरूद, 2 खजूर, 3 पपीता, 4 आम। तो इसमें पहला सही है अमरूद। प्रश्न नंबर तीन, संरचनात्मक पोषक तत्व तो है? नंबर 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 4 उपरोक्त सभी। तो चौथा सही है उपरोक्त सभी, CHO, ये संरचनात्मक या संगठनात्मक कहलाते हैं और इनसे पौधे का 94 से 95% भाग भी बनता है। प्रश्न नंबर 4, देश में राजस्थान की कौन सी फसल तिलहन का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम है? नंबर 1 सरसों, 2 सोयाबीन, 3 अलसी, 4 मूंगफली। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है सरसों। प्रश्न नंबर 5, पर्ल मिलेट किस फसल को कहते हैं? नंबर 1 मक्का को, नंबर 2 बाजरा को, नंबर 3 चावल को, नंबर 4 गेहूं को। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक हैं? नंबर 1 मृदा की भौतिक गुणों में, नंबर 2 मृदा के रासायनिक गुणों में, नंबर 3 मृदा के जैविक गुणों में, नंबर 4 उपरोक्त सभी गुणों में। तो चौथा ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी में। प्रश्न नंबर 7, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिक के प्रतिकूल या विपरीत कार्य करता है? नंबर 1 कुलटार पेप्लोब्यूट्राजोल, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है इथाइलिन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, साइटोकाइनिन है, वो जिब्रेलिन के या ऑक्सिन के विरुद्ध कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8, बलवंत एवं NA10 किसकी उन्नत किस्में हैं? नंबर 1 बेर की, नंबर 2 आंवले की, नंबर 3 अमरूद की, नंबर 4 अनार की। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है आंवला की। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसका उद्गम सेंटर ऑफ ओरिजिन भारत है? नंबर 1 पपीता, नंबर 2 अमरूद, 3 बेर, 4 चीकू। तो इसमें बेर का भारत ओरिजिन माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, बरसीम फसल को उगाया जाता है? नंबर 1 तेल उत्पादन हेतु, नंबर 2 दाल उत्पादन हेतु, नंबर 3 चारा उत्पादन हेतु, नंबर 4 रेशा उत्पादन हेतु। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है चारा उत्पादन हेतु। प्रश्न नंबर 11, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नंबर 1 आधार बीज, नंबर 2 सत्य बीज, नंबर 3 प्रजनक बीज, नंबर 4 केंद्रक बीज। तो पहला ऑप्शन सही है आधार या मदर सीड से हम प्रमाणित बीज बनाते हैं, सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है? नंबर 1 20% नाइट्रोजन, नंबर 2 26% नाइट्रोजन, नंबर 3 46% नाइट्रोजन, नंबर 4 18% नाइट्रोजन। तो तीसरा ऑप्शन सही है 46% नाइट्रोजन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से WCC75 किसकी किस्म है? नंबर 1 बाजरे की, 2 मक्का की, 3 गेहूं की, 4 सरसों की। तो पहला ऑप्शन सही है बाजरे की। प्रश्न नंबर 14, गाइनोडायोसियस प्रकार के पपीते के पौधे में पाए जाते हैं? नंबर 1 नर एवं मादा भाग, नंबर 2 नर एवं उभयलिंगी भाग, नंबर 3 मादा एवं उभयलिंगी भाग, नंबर 4 केवल मादा भाग। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है मादा एवं उभयलिंगी भाग, गाइनोडायोसियस पपीते में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है? नंबर 1 1.036, 2 1.032, 3 1.028, चौथा है 0.930। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 1.028, ये गाय का अपेक्षित घनत्व होता है दूध का। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है, यानी कि गन्ने की बसंतकालीन राजस्थान में कब करते हैं? नंबर 1 जुलाई अगस्त में,
नंबर दो दिसंबर जनवरी में, नंबर तीन फरवरी मार्च में, नंबर चार अक्टूबर नवंबर में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, फरवरी मार्च में बसंतकालीन गन्ना की बुआई राजस्थान में या उत्तरी भारत में करते हैं। प्रश्न नंबर 17, रोमांथी या जुगाली करने वाले रूमेंट्स पशुओं का असली आमाशय होता है यानी कि कौन सा होता है? नंबर एक ओमेजम, नंबर दो रूमेन, नंबर तीन रेटिकुलम, नंबर चार एबोमेजम। तो चौथा है एबोमेजम है, ये वास्तविक या असली आमाशय कहलाता है एबोमेजम। प्रश्न नंबर 18, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? नंबर एक कविंग, नंबर दो लैम्बिंग या टपिंग, नंबर तीन फरोइंग, नंबर चार ग्रीडिंग। तो इसमें तीसरा है लैम्बिंग या टपिंग जो प्रजनन की क्रिया है वो भेड़ में कहलाती है। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में निम्न में से भेड़ों की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है राजस्थान में? नंबर एक चौकला, नंबर दो मारवाड़ी, नंबर तीन सोनाड़ी, नंबर चार मालपुरा। तो इसमें पहला सही है चौकला, सबसे बढ़िया राजस्थान की ऊन पैदा करने वाली भेड़ है, इसीलिए इसे राजस्थान की मैरिनो का नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है? नंबर एक गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्वेशियम, तीसरा है गॉसिपियम बारबेडेंस, चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें तीसरा है गॉसिपियम बारबेडेंस। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो अमेरिकन कपास है उसमें आप ए एच ध्यान रखना, ए का मतलब है आर्बोरियम और एच का मतलब है हर्वेशियम, और जो हमारी सॉरी देसी के लिए, सॉरी देसी के लिए है ए एच, और जो अमेरिकन है उसके लिए है बी एच यानी बारबेडेंस और हिरसुटम। तो यहाँ पर बी है वो अमेरिकन कपास का नाम है, तो इसलिए बारबेडेंस सही है गॉसिपियम। प्रश्न नंबर 21, राज्य में कुल कृषिमय क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्र है? नंबर एक 65%, नंबर दो 75%, तीन 55%, चार 85%। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 75%। प्रश्न नंबर 22, एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? नंबर एक कपास, दो सोयाबीन, तीन उड़द, चार मक्का। तो मक्का सही है चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल बढ़वार पर इसका प्रतिकूल यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ये मृदा क्या कहलाती है? लवणों की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो और जिसका 4 डेसी साइमेंस प्रति मीटर से विद्युत चालकता ज़्यादा हो और 15% विनिमयशील सोडियम से कम हो तथा पीएच मान 8.5 से कम हो, तो ये लवणीय मृदा होती है। तो यहाँ तो सीधा सीधा है, तो इसमें नंबर एक है लवणीय मृदा, नंबर दो तेजाबी मृदा, नंबर तीन सारी मृदा, चौथा कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही लवणीय मृदा। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में कौन से ज़िले में धनिया के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? नंबर एक कोटा, नंबर दो बूंदी, नंबर तीन बारा, नंबर चार झालावाड़। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है बारा। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड हैं? ये कई बार प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर एक 9, नंबर दो 10, नंबर तीन 7, नंबर चार 21। तो 10 जलवायु कृषि जलवायु खंड है। प्रश्न नंबर 26, निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं प्रयोग होता है यानी कि हम उसमें फलों का रस प्रयोग नहीं करते हैं, तो कौन है? नंबर एक स्क्वैश में, नंबर दो सिरप शरबत में, नंबर तीन जैली में, नंबर चार कोल्डियर में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है जैली में हम पेक्टिन रस करते हैं, फलों का रस डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है, तो और सब में हम रस का उपयोग कर सकते हैं, चाहे सिरप हो, शरबत हो या स्क्वैश हो, कोल्डियर हो, ठीक है ना। लेकिन जैली में हम है वो उसका पेक्टिन रस उपयोग करते हैं, सीधा डायरेक्ट रस उपयोग नहीं करते। प्रश्न नंबर 27, लसोड़ा या लहसुआ का कुल है? नंबर एक एनाकार्डियसी, नंबर दो रोजेसी, नंबर तीन बोराजनेसी, नंबर चार यूफोरबियसी। तो बोराजनेसी है इसका, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 28, जानवरों में गलघोंटू रोग किस
से होता है, गलघोटू यानी कि हिमोरहेजिक सेप्टिसीमिया HS। नंबर 1 जीवाणुओं से, नंबर 2 विषाणुओं से, नंबर 3 कवकों से, नंबर 4 शैवालों से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जीवाणु बैक्टीरिया डिजीज है। प्रश्न नंबर 29, कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की जरूरत होती है? नंबर 1 धान में, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 गन्ना, नंबर 4 कपास। तो पहला ऑप्शन सही है धान में हम जल भराव करके खेती करते हैं। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का यह भाग थार मरुस्थल कहलाता है? नंबर 1 उत्तरी राजस्थान, नंबर 2 पूर्वी राजस्थान, नंबर 3 पश्चिमी राजस्थान, नंबर 4 दक्षिणी राजस्थान। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है पश्चिमी राजस्थान। प्रश्न नंबर 31, गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है, यानी गेहूं में। नंबर 1 फुटान अवस्था, नंबर 2 शीर्ष जड़ अवस्था, नंबर 3 पुष्पन अवस्था, नंबर 4 दूधी अवस्था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है शीर्ष जड़ अवस्था। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है? 1 भैंस, 2 गाय, 3 भेड़, 4 बकरी। तो चौथा सही है बकरी। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान की सामान्य औसत वार्षिक वर्षा है? नंबर 1 275 मिमी, नंबर 2 575 मिमी, नंबर 3 775 मिमी, चौथा है 475 मिमी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 575 मिमी, लेकिन इस समय जो चल रहा है ये पुराना है आंकड़ा, तो इस समय वो 564-65 के आसपास है, तो इसलिए 75 के आसपास जो होगी उस आंकड़े को माना जाता है। 575 से 10-20 कम ज़्यादा तक होती रहती है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में कौन सी फसल कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी कि जो सबसे कम तापमान जिसको यानी कि पाला कहें, तो पाले से अधिक कम तापमान का मतलब होता है पाला, ठीक है ना, तो इसको प्रभावित होती है। नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 जौ, नंबर 3 चना, नंबर 4 सरसों। तो चौथा ऑप्शन सही है सरसों। प्रश्न नंबर 35, मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की उत्पत्ति किस में हुई है? नंबर 1 इटली में, नंबर 2 फ्रांस में, नंबर 3 जापान में, नंबर 4 अमेरिका में। तो पहला ऑप्शन सही है इटली। प्रश्न नंबर 36, राज्य में सिंचाई का प्रचलित साधन है? नंबर 1 प्रचलित स्रोत कहें यहाँ पर, ठीक है, नंबर 1 चरसा, नंबर 2 नलकूप, नंबर 3 रहट, नंबर 4 बेड़ी। तो ये नलकूप सबसे अधिक प्रचलित जल स्रोत है, या साधन भी कह सकते हैं, लेकिन जल स्रोत मैन कहना होगा, दोनों में आता है ये, क्योंकि नीचे का पानी ऊपर निकालने के लिए हम नलकूप की व्यवस्था करते हैं, तो ये जल स्रोत में भी आता है और ट्यूबवेल में भी आता है, तो इसलिए इसको हम नंबर 1 देते हैं, यानी कि ये सही है। प्रश्न नंबर 37, भैंस के दूध में सफ़ेदपन का कारण है? नंबर 1 लैक्टोज, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 केसिन, नंबर 4 कैरोटीन। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है केसिन। प्रश्न नंबर 38, पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्षों के लगाने की अनुमोदित पद्धति है, यानी किस पद्धति से फल वृक्ष को पहाड़ों पर पर्वतों पर लगाना चाहिए? नंबर 1 वर्गाकार, नंबर 2 पंचवृक्षी या पंचभुजाकार, नंबर 3 सीढ़ीनुमा, नंबर 4 आयताकार। तो इसमें तीसरा है समोच्च विधि या सीढ़ीनुमा कंट्यूर मतलब मेथड से हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 39, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? नंबर 1 180 दिन, नंबर 2 281 दिन, नंबर 3 310 दिन, नंबर 4 150 दिन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 310 दिन। प्रश्न नंबर 40, आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? नंबर 1 बृहद पोषक तत्व में, नंबर 2 सूक्ष्म पोषक तत्व में, नंबर 3 सुधारक पोषक तत्व में, नंबर 4 गौण पोषक तत्व में। तो इसका दूसरा सही है सूक्ष्म या लघु या माइक्रो में लोहा या Fe आता है। तो बच्चों ये था हमारा कृषि विज्ञान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ बच्चे व्यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया, क्योंकि इससे हमें भी ये मालूम पड़ता रहे कि हाँ बच्चों को ये पेपर अच्छा लगा है, और उस कोई भी समस्या हो तो उसके लिए अवश्य आप पूछते रहें। जय हिंद, जय भारत।